हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रंजना पांडे और आज ये मेरा ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 3। टॉपिक है इसका पृथ्वी की गतियाँ, मोशंस ऑफ द अर्थ। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानती हैं, पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियों के बारे में, कि जो पृथ्वी की जो मोशंस हैं, गतियाँ हैं, वो कितने तरह की हैं। तो सबसे पहला आपका ये मिल गया आपको कि दो तरह की पृथ्वी गति करती है। पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, यानी पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो वो क्या कहलाएगा, घूर्णन। और सूर्य के चारों एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि पृथ्वी दो तरह की गतियाँ करती है, परिक्रमण और घूर्णन। जब अर्थ अपनी ही जगह पर घूम रही है इस तरह से, इसको हम बोलें घूर्णन। और जब अर्थ सन के, ये सन हो गया, अगर सन के चारों तरफ जो घूम रही है इस तरह से, उसको हम बोलेंगे परिक्रमण। ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि घूर्णन और परिक्रमण में क्या अंतर है, या घूर्णन और परिक्रमण को अलग अलग करिए इस तरह से। दोनों आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि घूर्णन क्या है, जब अपनी ही एक्सिस पे घूमती है उसको बोलते हैं हम घूर्णन, रोटेशन। और जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसको बोलते हैं हम रिवॉल्यूशन इन इंग्लिश। आगे देखिए, पृथ्वी का अच्छे काल्पनिक रेखा है, जो अच्छे है वो क्या है, इमेजिनरी। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि जो भी हमने जो रेखाएं हम मानते हैं इक्वेटर है, ये सब क्या है, इमेजिनरी है। जो इसके कच्ची सतह से 66 से 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, वो समतल जो कच्छ की द्वारा बनाया जाता है, उसे कच्छी समतल कहते हैं। कच्छी समतल क्या है, जिस पर ये कोण बना रही है, जो हमारी अर्थ है घूम रही है, जैसे इस तरह से आपने देखा होगा, तो इस तरह से झुकी हुई है, और यहाँ से जो ये कोण बन रहा है, ये कितने का है, 66 से 1/2 डिग्री का। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। हमारी पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश कहाँ से आता है, सूर्य से। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य के और वाले भाग पर दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होता है। ये बात आप पहले तो क्लियर कर लीजिए कि आपको जो दिन रात होते हैं, पूछा जाता है कि दिन रात का क्या कारण है, तो इसका कारण क्या है, पृथ्वी का घूर्णन गति। ये सनलाइट अगर पड़ रही है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दिन होगा, और इसके इस पार्ट में क्या होगा, रात होगी। उसे प्रदीप्त, हाँ यहाँ से देखिए, ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, उसे प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। पूछा जाता है कि एक पृथ्वी दिन क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी दिन क्या है, तो वो पृथ्वी द्वारा लिया गया घूर्णन का समय, घूर्णन का समय, उसको हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी दिन। और पृथ्वी कितना टाइम देती है, 24 घंटे, 24 आवर्स देती है। प्रदीप्ति व्रत क्या है, तो प्रदीप्ति व्रत जो दिन और रात को, जैसे ये अर्थ हो गई और ये सन है, इसकी जो सनलाइट पड़ रही है इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ सनलाइट पड़ रही है और इधर क्या होगा, रात होगी, और ये इसी यही कहलाया जाएगा प्रदीप्ति व्रत। ये आपको ये फिगर में भी दिया गया है, देख सकते हैं आप इस तरह से, ये है, ये क्या है, प्रदीप्ति व्रत है। ये देखिए, ये सनलाइट आ रही है घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात। तो ये अपने माइंड में आप बिठा लीजिए कि दिन रात होने का क्या कारण है, पृथ्वी की घूर्णन गति। पूछा जाता है कि दिन रात होने का क्या कारण है, घूर्णन गति है या परिक्रमण गति है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पृथ्वी की घूर्णन गति। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा, सूर्य के चारों तरफ, मतलब वही इसमें दिया गया है कि क्या होगा अगर नहीं करेगी, तो एक साइड से अंधेरा बना रहेगा। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, ये हमारा अगर सन है और ये हमारी अर्थ है, अगर अर्थ इसी तरह से सिर्फ घूमती रहेगी, अपनी जगह पर नहीं घूमेगी, सिर्फ क्या है, इसके चक्कर लगाएगी, तो क्या होगा, इसको सनलाइट तो मिलती रहेगी इस पार्ट को, और जो अदर पार्ट्स इसका रह जाएगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ हमेशा रात रहेगी और इधर हमेशा दिन रहेगा। तो आपको ये समझना है कि घूर्णन के कारण ही, अगर घूर्णन नहीं होगा तो क्या होगा,
कि उसके एक भाग पर लगातार रात बनी रहेगी और दूसरे भाग पर दिन बना रहेगा, अंधेरा बना रहेगा, और वहां पर जहां अंधेरा रहेगा वहां पर ठंड बनी रहेगी। पृथ्वी की दूसरी गति, एक गति आपको क्लियर हो गई होगी, दूसरी क्या है? परिक्रमण। दूसरी गति क्या है? परिक्रमण कहा जाता है। और कौन सी गति है? दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, यानी दूसरी गति कौन सी है? जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसको वो क्या बोलते हैं? परिक्रमण, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। पूछा जाता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। पृथ्वी एक वर्ष में कितना पृथ्वी का एक वर्ष मतलब पृथ्वी पूरे एक साल में चक्कर लगाती है सूर्य का, लेकिन पूरे 365 दिन, साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और लेकिन पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वो टाइम लेती है 365 सही 1/4, लेकिन हम क्या करते हैं, 1/4 है इसको क्या करते हैं, हम साल को हमेशा कितना मानते हैं? 365 दिन का मानते हैं, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे हम इसमें नहीं जोड़ते हैं, हम मानते हैं कि 365 दिन ही हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, ये फिगर्स दिया गया है आपका, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, ये आपको फिगर आगे पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, पूछा जाता है कि आपका दक्षिण अयनांत कब होता है, तो 22 दिसंबर ये आगे दिया भी गया है। विषुव कब मानते हैं हम? ये 21 मार्च को होता है विषुव उत्तर ध्रुव में, और 23 सितंबर को होता है आपका दक्षिण ध्रुव में, ये आपका इम्पोर्टेंस है। उसके बाद आप देखिए आगे, 4 वर्षों में, अभी हमने क्या आगे ऊपर क्या पढ़ा कि जो पृथ्वी होती है उसके हम 4 वर्षों को क्या करते हैं, उन्हें छोड़ के चलते हैं हम क्या मानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है एक साल में कितने दिन मानते हैं? 365 दिन हम मानते हैं, और जो 1/4 है इसको छोड़ देते हैं, यानी हम हमेशा क्या करते हैं, 6 घंटे को छोड़ देते हैं। अभी 6 घंटे कहाँ जाते हैं? तो 6 घंटे मिलकर एक दिन, यानी बचे हुए 6 घंटे, मतलब यानी कि हर साल के एक साल का हमने 6 घंटे छोड़ दिए, एक साल में हमने क्या किया, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए अगर हमने एक साल में 6 घंटे छोड़ दिए तो 4 साल में कितने हो जाएंगे, 4 साल में आपके हो जाएंगे 24 आवर्स, कितने हो जाएंगे? 24 आवर्स। और इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है, और ये 24 आवर्स मतलब एक दिन, 24 आवर्स कितना हो गया आपका, एक दिन हो गया। और हम इसको कहाँ जोड़ के चलते हैं? 4 साल में जो आपने देखा होगा लीप ईयर्स आती है, यानी जो फेब जो होती है वो कितने की होती है? 29 फेब की, 29 की होती है फेब आपकी, 29 डेज की। तो वो किस वजह से होती है कि जो चार हम जो 6-6 घंटे का टाइम छोड़ के चलते हैं वो हमें 4 साल में 24 घंटे हो जाते हैं, और 24 घंटे को हमें एक दिन में बदलना पड़ता है, इसलिए हम उसको क्या मानते हैं? लीप ईयर्स। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 का होता है, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? लीप वर्ष। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा, अगर हम देखें तो ये साल जो हमारा चल रहा है प्रेजेंट में ये लीप वर्ष था, और लीप वर्ष निकालने के लिए आप उस साल को क्या कर सकते हो, 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आपको पता चल जाएगा लीप वर्ष है कि नहीं है। आप उसको 4 से, जैसे अभी हमारा कितना चल रहा है, अभी हमारा चल रहा है 2020, अगर हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये लीप ईयर्स है। अगर आप देखोगे जैसे इससे पहले कब था, अब जैसे 2019 देखिए, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा? नहीं होगा, बराबर नहीं कटेगा, मतलब पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो आपका लीप ईयर्स नहीं है। तो कभी भी आपको लीप ईयर्स पता करना होगा तो आपको क्या करना है, 4 से इसको डिवाइड करना है, आपका पता चल जाएगा लीप ईयर्स है या नहीं है। यहाँ से देखिए, पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पूछा जाता है कि पृथ्वी किस पथ पर सूर्य के चक्कर लगाती है, तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। ध्यान दीजिए, पृथ्वी पूरे कक्ष पे एक ही दिशा में झुकी हुई है। और अच्छा, ये पूछा जाता है दिन रात होने का क्या कारण है, तो वो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, यानी पृथ्वी का घूर्णन। अगर पूछा जाता है ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, यानी परिक्रमण। आपका आंसर क्या होगा? परिक्रमण, यानी अगर परिक्रमण सूर्य की नहीं करेगी तो सर्दी गर्मी ये सारी ऋतुएं नहीं होंगी। तो ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। आगे देखिए,
जो चीज़ अभी हमने फिगर में देखी थी ऊपर वही यहाँ पर बताया गया है, जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए आप बस। 21 जून यहाँ से देखिए पूछा जाता है पृथ्वी उत्तर उत्तर अयनांत कब होता है, तो उत्तर अयनांत कब होता है 21 जून, कब होता है 21 जून, और इसमें क्या होता है उत्तर अयनांत आता है तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर आपका आप ऐसा करके इसको याद रख सकते हैं कि उत्तर अयनांत अगर पूछा जाए तो हमारा जो भारत है वो किस में है, हमारा जो भारत है वो किस में है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। और 21 जून को हमारे यहाँ पर क्या होता है, दिन बड़े होते हैं रातें छोटी होती हैं, तो आप समझोगे समझ जाओगे कि उत्तरी उत्तर अगर बर्ड आ जाए उत्तर अयनांत तो आप बता दोगे कब 21 जून, क्योंकि आपने देखा होगा जून में हमारे यहाँ क्या होता है जो दिन होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आपको पूछा जाए दक्षिण अयनांत, उत्तर अयनांत आपका क्लियर हो गया होगा कब होता है 21 जून, दक्षिण अयनांत, अब दक्षिण अयनांत कब होता है 22 दिसंबर। और जब दक्षिण ध्रुव के सूर्य के चारों ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, यानी 22 दिसंबर को उत्तर जो अयनांत है वहां पर क्या हो जाएगा सर्दी हो जाएगी, और दक्षिण में क्या हो जाएगा जो दक्षिणी गोलार्ध है हमारी पृथ्वी का उसमें बहुत गर्मी हो जाएगी। नीचे आपके दिया गया, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि क्रिसमस हम कब मनाते हैं 25 दिसंबर को, और 25 दिसंबर को हमारे जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें बहुत सर्दी होती है, तो बेसिकली आपको पता होगा कि जब यहाँ सर्दी होगी तो इसके अपोजिट में क्या होगा बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। उसके बाद है 21 मार्च एवं 23 सितंबर पूछा जाता है, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विश्व पर सीधी पड़ती हैं, इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं, इसे विषुव कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको विषुव कहते हैं। पूछा जाता है विषुव किसको बोलते हैं, कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर बराबर पड़ें न, और दिन रात कैसे होते हैं बराबर होते हैं, आपने देखा होगा 21 मार्च और 23 सितंबर में दिन और रातों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, और सर्दियों में क्या होता है दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं, गर्मी में क्या होता है दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं, लेकिन जब विषुव होती है जब विषुव वाली कंडीशन होती है तब क्या होता है आपके दिन रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को यानी आप ये मान के चलिए कि 23 मार्च अगर हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में तो 21 मार्च को इसके अपोजिट कंडीशन रहेगी 23 सितंबर, और अगर 21 मार्च को विषुव अगर होगा उत्तरी गोलार्ध में तो 23 सितंबर को विषुव होगा कहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में, इस तरह से इसके अपोजिट चलती हैं, और ये किसके कारण होता है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। तो आई थिंक मुझे लग रहा है आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस प्रकार पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अगर अलग अलग पूछा जाए कि दिन रात किसके कारण होती हैं तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण और ऋतुओं में परिवर्तन आपके परिक्रमण के कारण, लेकिन दोनों ही अगर चीज़ें में से एक चीज़ नहीं होगी तो दोनों को चीज़ों का होना नहीं हो पाएगा, तो दोनों ही चीज़ों का क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंस है होने के लिए। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आपको ये क्लास मेरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स बताइएगा, किस तरह से आपको ये क्लास लगी मेरी, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।